हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो आपने टाइटल और थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि हम किस विषय पे बात करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। चलने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है और हमसे आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हम वहां से आपके हर एक क्वेश्चन का जो आंसर दे देंगे। देखिए, मॉडर्न दिखना हर लड़की, हर गर्ल्स, हर वुमेन्स का जो है एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है। लेकिन ब्रेस्ट की वजह से कभी कभी ये ख्वाब, ये ड्रीम अधूरा रह जाता है। जो ब्रेस्ट होते हैं उनका हमारी बॉडी में अहम रोल होता है। तो बिना देर किए हम कर लेते हैं कि आखिर ये क्यों ढीले हो जाते हैं। देखिए, ये उन लड़कियों के भी ढीले हो जाते हैं जो टाइम टाइम पे ब्रा चेंज नहीं करती हैं, या इनका वेट बहुत हो गया है और वो का जो वेट कम हुआ है तो जो है स्किन जो है लटक जाती है। ये उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, शादी के बाद जो प्रेगनेंसी ठहर जाती है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो जाती है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो जब बेबी को फीडिंग कराती है तो यूं करके फीडिंग कराती है। ऐसे फीडिंग नहीं करानी चाहिए, यूं फीडिंग करानी चाहिए साइड से। तो हमें इसमें, यदि आपके ब्रेस्ट ढीले हो गए तो इसमें हमें सबसे पहले जो है हरी सब्जियां लेनी चाहिए, चुकंदर है, ये सब हमें ज़्यादा लेना चाहिए। और हमें एक दिन गर्म पानी से, एक दिन हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए। यदि आप लेप करना चाहते हैं तो आप दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं, उससे भी जो आपके ब्रेस्ट का जो साइज है वो कम हो जाए। और आप बर्फ से यानी आइस से जो है मालिश करें, यानी सिकाई करें ऐसे ऐसे, उससे भी जो आपके ब्रेस्ट का साइज जो है कम हो जाएगा। यदि आप फिर भी ये सब करना नहीं चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को करिए। मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये वाली आप एक्सरसाइज करिए तो इससे भी आपके ब्रेस्ट का जो साइज है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। दूसरी बात, आप ब्रा को जो है स्पोर्ट की लीजिए और हर 6 महीने बाद आप ब्रा चेंज कर दीजिए। और आप लेप करना चाहती हैं तो आप शहद, अंडा और नींबू तीनों का मॉइस्चर बना के और ब्रेस्ट पे लेप कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।